दोस्तों इस तरीके की इफेक्ट को अप्लाई करना आपको लग रहा होगा एलाइट मोशन से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, तो नहीं दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी तरीके में बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कैसे इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। अब जैसे आपका एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से अपनी वीडियो के हिसाब से रेशियो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर से इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और ऊपर में ये जो मीडिया का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको वो वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आप इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों मैंने ये वाला वीडियो सेलेक्ट किया है, अभी ये वीडियो पूरा नॉर्मल है, हम लोग HDR वाला इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं इस पर। दोस्तों देख सकते हो जैसा कि हमारा वीडियो में अभी बिल्कुल भी इफेक्ट अप्लाई नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चले आएंगे। अब यहाँ पर से आपको इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है और ये वाला एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस स्क्वायर को इसको थोड़ा सा कर लेना है और जब तक फुल स्क्रीन में ना आ जाए तब तक जूम करते जाना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना है और ये वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से आपको एक बार बैक कर देना है और यहाँ से आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको डिफरेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस डिफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से सबट्रैक्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तीसरे नंबर पर है ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली से यहाँ से एक बार बैक कर देना है। अभी यहाँ से आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ऐड इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर एक बार टैप कर देना है और ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपको GAU सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे आप इतना सर्च करोगे तो आपको ये गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस इफेक्ट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग है, इस पर क्लिक करना। अभी दोस्तों इसको आपको बढ़ा लेना है, इसको लगभग 250 के आसपास बढ़ा लेना है, 0.200 इतना रख लेने के बाद आपको यहाँ पर एक बार टैप कर देना है और फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर आपको सर्च बार में जाकर एक्सपोजर एंड गामा सर्च कर लेना है। दोस्तों जैसे EX सर्च करोगे तो आपका ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, एक्सपोजर गामा वाला, इस वाले इफेक्ट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको इस एक्सपोजर गामा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऊपर में एक्सपोजर है इसको कम कर लेना है, इसको -0.30% रख लेना है और उसके बाद चलते हैं गामा पर। दोस्तों इसको आपको ज्यादा नहीं कम करना है, इसको 0.915 के आसपास रख लेना है, बस इतना रखने के बाद नीचे ऑफसेट पर चलते हैं। ऑफसेट पर जाने के बाद इसको आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, -0.05 रख लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक बार टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और ऊपर सर्च बार में जाकर आपको कॉपी सर्च कर लेना है। जैसे आप कॉपी सर्च करोगे तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा कॉपी बैकग्राउंड वाला ये वाला इफेक्ट, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर से आपको सबसे ऊपर आपका गॉसियन ब्लर है तो इसको सबसे नीचे कर लेना है, यहाँ से खींचकर सबसे नीचे ला देना है और एक्सपोजर एंड गामा वाले ऑप्शन को इसको भी आपको सबसे नीचे ले आना है। दोस्तों अब इससे गॉसियन ब्लर बीच में हो गया, एक्सपोजर गामा नीचे होगा, इस तरीके से आपको कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, गॉसियन ब्लर या फिर एक्सपोजर गामा को भी अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। दोस्तों इतना एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर से यहाँ से एक बार बैक कर देना है, अभी एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है, उसके बाद आपको फिर से इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको ये वाला एक शेप सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस शेप को भी जूम करके पूरे फुल स्क्रीन में आपको कर लेना है, अपने पूरे फुल स्क्रीन को कवर कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये व्हाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक कर देना है और फिर से आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको एक कॉन्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, कॉन्स्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और आपको फर्स्ट में ही ओवरले वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ओवरले वाले ऑप्शन पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हो जैसा कि हमारे वीडियो में थोड़ा सा लाइट और बढ़ चुका है, उसके बाद आपको बैक कर देना है और फिर से आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है। अभी आपको फिर से इस प्लस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है और ये वाला एक शेप सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये शेप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको सफेद कलर सेलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ से एक बार बैक कर देना है और फिर से यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और फिर से आपको नीचे करना है, कॉन्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और फर्स्ट में ही ओवरले वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, मैं इसको 60 के आसपास रखने वाला हूं, आप भी अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हो। दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपको यहां से एक बार बैक कर देना है और एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है। अभी दोस्तों देख सकते हो जैसा कि हमारे में 4K HDR वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग इस पर वो वाला
हल्का पिंक लगने वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट अप्लाई करने वाले। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस सबसे नीचे वाले वीडियो के लेयर पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से अब आपको ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ढेर सारी इफेक्ट खुल के चली आएगी। तो आपको सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ ओदर्स का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इस ओदर वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना है जो सेकेंड नंबर पर है ना, वो वाला आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर से तीसरे नंबर पर बी वाला ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर से आपको दूसरे नंबर पर जी मिलेगा, इस जी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपका वीडियो में वो वाला कलर जो है अप्लाई हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से एक बार बैक कर देना है और एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है। अब दोस्तों आपको सबसे ऊपर वाले इफेक्ट पर एक बार टैप करना है और वीडियो के सबसे शुरुआत में चले आना है। वीडियो के सबसे शुरुआत में आने के बाद इस वाले इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से आपको वीडियो के अंत में चले जाना है यहाँ से, और फिर से आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों एक बार स्क्रीन पर टैप कर लेना है और फिर से आपने ये जो ऊपर वाले के नीचे वाला ये जो इफेक्ट है ना, इसको भी आपको सेम प्रोसेस करना है। दोस्तों इसको भी आपको आखिरी में चले जाना है, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी हम लोग को एक और इफेक्ट बच गया, इस पर को भी हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों इसको भी हम लोग पूरे अंत में चले जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये करने से क्या होगा कि हमारी जो इफेक्ट है वो पूरे कंप्लीट वीडियो में अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो जैसा कि मैं चलाकर आपको, अब एडिट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो लगेगा। दोस्तों ये वाला जो 4K अल्ट्रा HD वाला इफेक्ट है वो जो अप्लाई हो चुका है। तो हम लोग आपको सिंपल सा तरीका बता चुके हैं, अब आप अपनी भी वीडियो में इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। हमारे कंप्लीट वीडियो में इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, तो हम लोग को अब ये वाला वीडियो को सेव करना है। तो दोस्तों हम लोग सेव करने के लिए ऊपर में ये जो आपको निशान दिख रहा होगा, इस वाले निशान पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अब आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस को आप देखना पसंद करते हो, इस तरीके की इफेक्ट आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो।